बहुत सी बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं डाइट चार्ट बताओ जिससे क्रिएटिनिन कम हो जाए। तो क्रिएटिनिन मसल से रिलीज हो रहा है, तो क्रिएटिनिन को कम करने का एक सिंपल तरीका होता है कि प्रोटीन जो है वो इनटेक कम कर दो। बहुत सी बार पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि किडनी पेशेंट है, हमारा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, डायलिसिस पर हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सभी किडनी पेशेंट्स के लिए आज ऐसा डाइट चार्ट बताएंगे जो मैक्सिमम किडनी पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। किडनी पेशेंट क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, जो भी खाना खाते हैं ना, अगर अच्छा खाना खा रहे हैं तो बॉडी अच्छी होती चली जाएगी। अगर परहेज से खा रहे हैं तो परहेज किस चीज का करना है, किस चीज का नहीं करना, वो देखना है। बहुत सी बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं डाइट चार्ट बताओ जिससे क्रिएटिनिन कम हो जाए। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि क्रिएटिनिन को कम करने के लिए बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। क्रिएटिनिन को टेंपरेरी कम करना पॉसिबल है डाइट के द्वारा, लेकिन किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करा जा सके ऐसा डाइट चार्ट आज आपको बताएंगे जिससे किडनी का GFR इम्प्रूव होने में सहायता मिले। उससे पहले कुछ चीजें समझेंगे कि क्रिएटिनिन क्या होता है। क्रिएटिनिन हमारे जो वेस्ट मसल्स जो हमारी वेस्ट रिलीज करती हैं उसका बाय प्रोडक्ट क्रिएटिनिन होता है। तो क्रिएटिनिन मसल से रिलीज हो रहा है, तो क्रिएटिनिन को कम करने का एक सिंपल तरीका होता है कि प्रोटीन जो है वो इंटेक कम कर दिया। अब प्रोटीन इंटेक बंद कर दिया और प्रोटीन इंटेक कम कर दिया, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत अंतर है। तो प्रोटीन इंटेक को बंद नहीं करना है, प्रोटीन इंटेक को कम करना है। बहुत गहरी बात है और डिटेल में समझा रहा हूँ इसमें। ऐसा प्रोटीन लेना है जो प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। प्रोटीन किस तरह का होता है, मल्टीपल प्रोटीन होता है। एनिमल प्रोटीन भी हो सकता है, प्लांट प्रोटीन भी हो सकता है। एनिमल प्रोटीन में क्या क्या आता है, फिश, एग्स, मटन, चिकन। अगर किसी भी पेशेंट को ये बोला जाए कि आप ये सब खा लो, एनिमल प्रोटीन खा लो, तो उससे क्या होगा, एक्सेस प्रोटीन इकट्ठा हो जाएगा। एक्सेस प्रोटीन बॉडी में इकट्ठा होने के कारण क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो हमें जो है नॉन वेजिटेरियन जो है डाइट को बंद करना है, नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेनी, एनिमल प्रोटीन से बचना है। अब क्या ले सकते हैं जो प्रोटीन बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें सबसे पहले आता है दालें। दालों में भी बहुत सी प्रकार की दालें होती हैं, कुछ दालें होती हैं जो हम नहीं लेंगे, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं लेंगे। दालों में क्या ले सकते हैं, लाइट प्रोटीन जिन दालों में होता है उसमें दो दालें महत्वपूर्ण है जिनके अंदर प्रोटीन लाइट है जो बॉडी में जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा प्रोटीन लेना है। क्योंकि प्रोटीन को बंद नहीं करना है, प्रोटीन को कम करना है किडनी पेशेंट। लाइट प्रोटीन में क्या आएगा, मूंग की दाल और मसूर की दाल। तो ये दो दालों का प्रयोग जो है वो किडनी पेशेंट कर सकते हैं। अब बहुत से बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि दालों को कैसे ले, दालों को क्या रोज ले सकते हैं, नंबर वन दालें डेली बेसिस पे खाना शुरू कर दें। हम रोज रात को दाल खाते थे पहले, अभी भी हम रोज रात को दाल खा लें तो इसके लिए देर इज अ बिग नो, रोज दाल नहीं खानी है। दाल किस प्रकार से खानी है, दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि दाल जैसे आपकी होटल में जाते हैं वो गाढ़ी सी दाल मखनी होती है, वैसी दाल खानी है, नहीं वैसी दाल बिल्कुल नहीं खानी है। दाल कैसी खानी है, दाल पतली खानी है, सूप की तरह खानी है, सूप की फॉर्म में, तरी ज्यादा होनी चाहिए, दाल कम होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा रसम बनती है, साउथ इंडियन जो डिश है, जैसे साउथ इंडियन चीजें बनती है उसी प्रकार से आप बनाएंगे, जिस तरीके से रसम होती है साउथ इंडियन स्टाइल में दाल को बनाना। प्रोटीन साइज जो है वो दाल का कम रखना है और बाकी चीजों को ज्यादा रखना है। अब हमने क्या करा, प्रोटीन ज्यादा जाता तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता, प्रोटीन को हमने उतना दिया जिससे बॉडी में वीकनेस भी ना आए, क्रिएटिनिन जो है वो एकदम से मेंटेन भी रहे, बढ़े भी ना, और बॉडी में वीकनेस है, बॉडी में वीकनेस आएगी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो साथ में क्या ले सकते हैं इस दाल के, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनर्जी भी आनी चाहिए बॉडी में, तो इसी दाल से हम एनर्जी भी ले सकते हैं, लेकिन क्रिएटिनिन भी नहीं बढ़ेगा अगर हम ये सारी चीजें फॉलो कर लेंगे। तो साथ में आप रोटी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं दाल के, ये सब चीजें ले सकते हैं। अब ये तो रही हमारी प्रोटीन के बाद, दूसरी जो चीज होती है वो होती है हम जिसपे जनरली लोग पूछते हैं, होता है पनीर। पनीर को कैसा लेना चाहिए, पनीर किस तरीके का किडनी पेशेंट ले सकता है, तो पनीर ले सकता है कि नहीं। पनीर लेना है तो आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है। पनीर अगर घर से बना हुआ दूध का है तो पनीर आप कम मात्रा में ले सकते हैं सब्जी की फॉर्म, बाहर के पनीर को आपने अवॉइड करना है। तीसरी चीज जो पूछते हैं बहुत से वाले पेशेंट को होता है दूध, दूध किस तरीके का लेना है। तो दूध जो होता है ना वो जनरली अगर प्योर दूध है, गाय का दूध जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, भैंस का दूध भारी होता है, हैवी होता है, हैवी टू डाइजेस्ट होता है। अब लेकिन गाय का दूध तो लेंगे, लेकिन गाय के दूध से भी ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किसी को एसिडिटी बनती है, किसी को
गैस बन जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। अगर आपको ये सारी चीजों की प्रॉब्लम नहीं होती है और आप बचपन से दूध पीते आ रहे हैं और आपको दूध बहुत अच्छा लगता है, बॉडी भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। कितनी मात्रा में कर सकते हैं? 2-2 लीटर, 1-1 लीटर दूध नहीं पीना, 200 ml दूध तक आप डेली बेसिस पे सेवन कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। अच्छा, इसके बाद ये तो रही क्रिएटिनिन की बात, जिसमें हमने प्रोटीन से रिलेटेड बात करी है। दूसरी हम बात करेंगे यूरिया के बारे में। अब यूरिया जो होता है ना, वो लिवर में बनता है। प्रोटीन को जो एक यूरिया और क्रिएटिनिन जो है सारे बाय प्रोडक्ट होते हैं। अब हमें लिवर के ऊपर देखना है कि लिवर पे जोर ना पड़े ऐसी डाइट से हमारा यूरिया कम हो जाए। अब ऐसी डाइट कैसी हो सकती है जिससे लिवर पे जोर ना पड़े? तली हुई चीजें जो है वो हमें अवॉइड करनी है। तो किडनी पेशेंट को ये सारी चीजें क्यों अवॉइड करनी, ताकि यूरिया ना बढ़े, ये चीजों का खास ध्यान रखना है। अब आपने देखना है कि खा क्या सकते हैं। खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम बात करेंगे उनके बारे में भी विस्तार से। खा सकते हैं क्या? रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। डिटेल में बात करेंगे फ्रूट्स कौन से ले सकते हैं, सब्जियां कौन सी खा सकते हैं। अब पहले बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल्स जो है वो कैसी खानी है? जो हाई पोटेशियम नहीं करती, जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम है, जिनमें हाई पोटेशियम है, उनको आप पहले ही साइड करते हैं। देखो, किडनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। किडनी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करती है, और पोटेशियम जो है ना वो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड भी होता है। पोटेशियम को भी हम जीरो नहीं कर सकते। अभी हमें क्रिएटिनिन की तरह, जैसे हमने देखा कि वीकनेस आ जाएगी अगर हम प्रोटीन एकदम से बंद कर देंगे, इसलिए पोटेशियम अगर बढ़ जाता है तो हमारी मसल्स में थकान हो जाती है। तो पोटेशियम को बढ़ने के लिए देना, मसल्स, हमारे जो हार्ट होता है ना वो भी मसल्स से बना होता है। मसल्स में थकान होने के कारण वो मसल्स काम करना बंद कर देती है, इसलिए कहते हैं पोटेशियम अगर बढ़ गया तो हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो सीधे सीधे रुक जाएगी, हार्ट की मसल्स काम करना कम कर देती है। और अगर पोटेशियम कम हो गया तो वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। तो हमें ये देखना है कि खाना ऐसा खाना है जिससे थोड़ा पोटेशियम मिले, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमें पोटेशियम, अगर हम दवाइयाँ बिल्कुल, अगर हम खाना ऐसा ले लेंगे जिसमें बिल्कुल पोटेशियम नहीं होगा, तो हमें दवाइयों की फॉर्म में पोटेशियम लेना पड़ता है। अब जो पोटेशियम की दवाई होती है ना, उसमें बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है, लूज मोशन होना, एसिडिटी बनना। तो हम ऐसी डाइट लेंगे जिससे पोटेशियम एकदम से बढ़ेगा भी नहीं और पोटेशियम जो है वो कंट्रोल भी रहेगा। हाई पोटेशियम सब्जियों को हमें बिल्कुल नहीं लेना है। हाई पोटेशियम सब्जियां कौन सी होती हैं? दो चीजों के लिए आप इनमें देख सकते हैं, जो जमीन के नीचे उगती है, रूट से जो उगती हैं, और दूसरा जिनका ब्राउन रंग होता है। अब लेना क्या है, दूसरी क्या प्रश्न होता है जनरली, हरे पत्तेदार सब्जियां कौन सी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो बहुत सी बार पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो हरी सब्जियां खाते हैं, अब सीजनल है ये लेना ले। क्या क्या है? पुदीना है, पालक है, धनिया है, सरसों है, इन सब में पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में है, पोटेशियम ज्यादा है। तो लेकिन इनको ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ही बंद करना है। अब इनको आप किस तरीके से ले सकते हैं? आप इसको ओवरडोज नहीं करना है, इसको सब्जी की फॉर्म में मत लीजिए, इसको आप ऐसी फॉर्म में लीजिए कि साग बना रहे सरसों का, वो नहीं चलेगा। इसको आप ऐसी फॉर्म में लीजिए जिससे कम क्वांटिटी में। रोटी जो है आपने क्या करा, पालक की रोटी बना ली, सैलेड में थोड़ा सा धनिया डाल दिया, जिससे थोड़ा सा ले भी लिया, पोटेशियम मेंटेन भी हो गया। लेकिन अगर ओवरडोज कर दी तो फिर आपको, जैसे मैंने बताया कि किस किस तरीके से पोटेशियम ओवरडोज से किडनी पेशेंट में प्रॉब्लम आने की संभावना है, वो सारी प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन प्रश्न रहता है किडनी के पेशेंट्स का डाइट से संबंधित, कि टमाटर कैसे, टमाटर खा सकते हैं नहीं खा सकते? तो मैं आपको बता दूं, टमाटर कच्चा सैलेड में नहीं खाना है। अगर आप इसको, टमाटर को थोड़ा बहुत सब्जी में मिला के लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आप टमाटर जो है वो ले सकते हैं। बहुत सी बार पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं फ्रूट्स में क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, डॉक्टर सीधा कहते हैं फ्रूट नहीं खाने, हाई पोटेशियम। तो हाई पोटेशियम है फ्रूट्स में, उनको मैं पहले बता रहा था कि कौन कौन से नहीं खाने। ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, एवोकाडो, कोकोनट, कीवी, बनाना, ये सारे जो है फ्रूट्स आप हाई पोटेशियम होते हैं, इनको आप नहीं खाएंगे। साथ साथ खट्टे फल, सिट्रिक फ्रूट्स, जिस प्रकार से आम है, संतरा है, नींबू है, अंगूर है, ये सारी चीजें भी आपने अवॉइड करनी है। इन सारे फ्रूट्स के अंदर हाई पोटेशियम होता है। अब किडनी जो होती है ना, उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। फिल्ट्रेशन तो करती है, साथ में वो एसिड जो होता है ना उसको भी निकालती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करने का काम करती है किडनी। देखो, पानी हम पीते हैं तो पानी जो होता है वो नॉर्मल होता है, वो एसिडिक नहीं होता, लेकिन यूरिन जो आता है वो एसिडिक होता है। तो वो एसिड कहाँ से आया? हमारी बॉडी से निकाला ना बॉडी ने। अब क्या होता है कि क्रिएटिनिन जब 4, 5, 6, 7 चला जाता है, थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, इवन 2-3 भी बारी में भी कई बार ऐसा होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है।
एक तो पहले एसिड किडनी में ऑलरेडी बैठा हुआ है, ऊपर से हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे एसिड बढ़ रहा है और वो निकल नहीं पा रहा, ऐसी ही स्टेज को कहा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जहां पे किडनी के ऊपर दोहरा वार हो जाता है। एक तो ऑलरेडी किडनी के अंदर एसिड इकट्ठा है और दूसरा वो निकल भी नहीं पा रहा और वो इकट्ठा होता है और एकदम से मेटाबॉलिक एसिडोसिस करके क्रिएटिनिन को बढ़ा देता है। मुद्दे पे दोबारा से आएंगे तो क्या खाना है, खट्टे फलों को बिल्कुल बंद करना है। फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं उस पे बात करेंगे। फ्रूट्स में हम ले सकते हैं एप्पल, अमरूद, पपीता, चीकू, जामुन, खरबूजा। अब इन चीजों इनमें भी कितनी क्वांटिटी में लेना है, ज्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स को नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सी बार लोग सोचते हैं हम तो फ्रूट्स पे रह लेते हैं, फलानी जगह पे फलानी यूट्यूब पे ये देखा हमने, ये खा लो वो खा लो। इससे अगर आपने सिर्फ फ्रूट्स पे रहेंगे, कम क्वांटिटी में लेना इसलिए आवश्यक है, अगर आप सिर्फ फ्रूट्स पे रहेंगे उसमें बहुत कई बार पोटेशियम बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी और साथ साथ आपको एनर्जी के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत रहती है, प्रोटीन की जरूरत रहती है, तो सब चीजों का बैलेंस बनाना जरूरी है। ये कम मात्रा में आप ले सकते हैं। अब एक बार पेशेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं, हमारा खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो अनार खाएं या ना खाएं, तो मैं आप सभी पेशेंट्स को बता दूं कि अनार को खा सकते हैं पेशेंट्स, लेकिन खाने का तरीका बदलना। अनार जो है अगर हीमोग्लोबिन कम है तो जो उसका रेड पार्ट है वो खा लो, गुठली को निकाल के फेंक दो। गुठली खाने से पोटेशियम बढ़ने की संभावना रहेगी, तो गुठली से पोटेशियम बढ़ेगा तो उसको निकाल दो, बाकी आप खा सकते हैं। अब पेशेंट बहुत सी बार आते हैं, वो कहते हैं पानी कितना पिए, कैसे पिए और किस तरीके से पिए, सारी चीजें हम कैसे पानी को मैनेज करें, पानी के बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। अब यूरिन में क्या होता है, कम आ रहा है तो भी दिक्कत है, पानी ज्यादा पी रहे तो भी दिक्कत है, पैरों में जो है ना सूजन आ जाती है अगर पानी ज्यादा पीते हैं पेशेंट्स। किडनी पेशेंट्स को पानी कम पीने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा पी रहे हैं किडनी काम नहीं कर रही और किडनी काम ना करने के कारण पानी जो है वो ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से पैरों में चला जाता है। अब पैरों में सूजन आती है तो हमें पानी कम करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेशन है। लेकिन अगर पैरों में सूजन नहीं आ रही है तो पानी को हमें जरूरी नहीं है कम करना, क्योंकि पानी अगर पी रहे हैं तो क्रिएटिनिन, यूरिया सब चीजें हमारे यूरिन की फॉर्म में फिल्टर होती जाएगी, तो पानी अगर कम है तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए पानी हमें अगर सूजन नहीं है तो पानी आप ठीक मात्रा में पीजिए, अगर सूजन है तो पानी कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी हमने कम नहीं किया तो वो पानी शरीर में जाके इकट्ठा हो जाएगा और सोते समय वो पानी जो है वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाने के बजाय वो लंग्स को डैमेज करता चला जाएगा, प्लूरल डिफ्यूजन जो है वो इकट्ठी होती चली जाएगी। दो चीजें बताई आपको पहले कि इसके अंदर पानी, अगर सूजन नहीं है पैरों में तो आप पानी लीजिए, लेकिन पानी को ऐसे नहीं कि आप गटागट पीते चले जा रहे हैं, बॉटल से पीते चले जा रहे हैं, ऐसे पानी नहीं पीना है, पानी को सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, एक बारी में 100 ml पानी पीना है, उससे ज्यादा पानी नहीं पीना, बारी बारी थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो किडनी के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, तो पानी के लिए ध्यान रखना है। बहुत सी बार क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो कम हो गया किडनी पेशेंट में, अब हुआ क्या कि प्रोटीन कम हुआ तो फ्लूइड जो है वो खून पतला हो गया, खून पतला होने की वजह से फ्लूइड बढ़ता चला जाता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में ग्रेविटी के कारण चला जाता है और पैरों में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो यदि अगर सूजन नहीं आ रही है तो एक पॉजिटिव साइन है, पानी पीने से क्रिएटिनिन यूरिया फिल्टर होता रहेगा, लेकिन सूजन आ गई तो लंग्स को बचाना जरूरी है, क्योंकि सूजन आ गई पानी किडनी ने फिल्टर नहीं किया, वो पानी शरीर में इकट्ठा हो गया और लेटते समय वो पानी लंग्स में चला जाता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हम बैठे रहते हैं तो ठीक है, अगर हम लेटते हैं तो हमें सांस नहीं ली जाती, हमसे लेटा नहीं जाता, हमें नींद नहीं आती, तो सीधा सा इसका लॉजिक यह है कि आपके शरीर में पानी इकट्ठा हो गया, वो पानी लेटते समय आपको प्लूरल डिफ्यूजन कर रहा है, लंग्स में चला जाता है, अब लंग्स में पानी जाने के कारण लंग्स डैमेज होते चले जाते हैं। इसी कारणवश किडनी पेशेंट में अगर सूजन आ रही है तो पानी कम लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि लंग्स खराब हो गए तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वेंटिलेटर पर तक भी जाने की नौबत आ जाती है, तो इसमें लंग्स को बचाने के लिए पानी को कम करना, पानी को सिप सिप करेंगे, घूट घूट करके पिएंगे तो कम पानी में भी प्यास बुझने की संभावना बनी रहेगी। अच्छा, आप नेक्स्ट जो पेशेंट आके पूछते हैं कि अगर हमारा खाना कम खाने से वेट लॉस होता है, वेट लॉस होने से मसल्स जो है वो भी कम काम करती हैं, तो हमारे पास किडनी पेशेंट्स में बहुत सी बार कंफ्यूजन रहती है कि भाई क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत सी बार पेशेंट सोचते हैं कि हमने जो है ना खाना बिल्कुल ही कम कर दिया। अब खाना बिल्कुल कम करने से उनको लगता है कि किसी वो कहीं पे गए, उन्होंने कोई यूट्यूब पे देख लिया कि खाना कम करने से बहुत फायदे हो जाएंगे, या सिर्फ ये पर्टिकुलर डाइट ले लीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएंगे, तो टेम्परेरी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आपने अगर खाना कम खाया तो आपका वेट लॉस हो गया, वेट लॉस होने से आपकी मसल्स कम हो जाती है और मसल्स कम होने से टेम्परेरी जो है वो क्रिएटिनिन जो है वो रिड्यूस होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जो है वो नुकसान देता है, क्योंकि मसल्स कम होने के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है और बाकी बॉडी के ऑर्गन्स पे भी
प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और साथ साथ जो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाए, वैसे तो अगर मेडिसिन चले, डाइट चले, एक्यूप्रेशर चले, तो डायलिसिस ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर इमरजेंसी में कराना पड़े तो वो स्थिति भी मेंटेन नहीं रह पाती है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि खाना पीना भी खाएं, वीकनेस भी ना आए, डाइट भी ऐसे रहें जिससे सब चीजें कंट्रोल रहें। और आपको विस्तार से समझाया कि किस किस तरीके से क्या क्या डाइट लेना है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में, अपनी बीमारी की स्थिति के अनुसार आपको डाइट के बारे में बताया जाए। नमस्कार।